मध्य प्रदेश के नीमच में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत नीमच जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 115 यात्री जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हुए। नीमच विधायक श्री दिलीप सिंह जी प्रहार द्वारा फीता काट कर माला पहनाकर स्वागत किया एवं यात्रियों को रवाना किया गया। आज नीमच जिले की लाल माटी से 115 लोग मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा में जगन्नाथपुरी के लिए गए हैं। हम सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा चलाई है। पुराने समय में धार्मिक यात्राओं पर लोग पैदल जाते थे, बैलगाड़ियों में जाते थे, बसों में जाते थे और श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर बिठाकर यात्रा कराने का काम किया था। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब वृद्धों को, 60 साल की उम्र वालों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा में यात्रा कराने का काम कर रहे हैं। हम प्रशासन के बंधु, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि जब इनका पंजीयन कराते हैं और इनका पंजीयन हो जाता है, लॉटरी डाल के पारदर्शिता के आधार पर इनको यात्रा में भेजा जाता है। जो लोग जाते हैं उनके चेहरे की रौनक देखने के लिए, उनको विदा करने के लिए, हम उनका स्वागत करने के लिए यहाँ रेलवे स्टेशन पर हमेशा आते हैं और जो परिवार के वृद्ध जन जाते हैं उनके चेहरे खिले हुए नजर आते हैं और वो दुआएं देते हैं कि हे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि आप बहुत पुनीत और पवित्र कार्य कर रहे हैं और दुआओं की वजह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तीसरी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और अब चौथी बार भी बनेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। हम सब लोग पुनीत और पवित्र कार्य करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भी गरीबों के लिए धनजन योजना प्रारंभ की, उनके खाते खुलवाए। यही नहीं, अनेक ऐसे गरीबों के लिए जो योजना बनाई है वो बहुत ही कामगार योजना है। उनके यात्रा की शुभकामना देने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आया था उन्हें विदा करने। वो सकुशल यात्रा करके आए, उनकी सारी व्यवस्थाएं, जब लोग यात्रा करके आते हैं तो प्रसन्न रहते हैं, उनके ठहरने की, उनके भोजन की, उनके पानी की, उनको वहाँ पूजा आराधना कराने की सारी व्यवस्था शासन द्वारा की जाती है। तो ऐसे अवसर पर बहुत बधाई, शुभकामना। ये मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा लगातार चलती रहे, लोग इसका आनंद लेते रहे। बहुत बहुत